देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और इस प्रकार के वातावरण कई चुनाव बाद दिखाई दिया है। ये एक्चुअल में जनता खुद ये चुनाव अपने हाथों में ले लिया है और इस बात का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो गया, जो सत्ता में बैठे हैं उनको हो गया है। और यही कारण है देखिए कि बाराबंकी में आज राहुल जी का कार्यक्रम था, परमिशन नहीं दिए। उसी प्रकार से रायबरेली में रोड शो था प्रियंका जी का, उसमें परमिशन नहीं मिली। तो अब ये भयाक्रांत हो गए हैं और इस प्रकार से कम इनके दौरे लगे, ये कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मायूस्ट है एक तरीके से, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने समझाया कि किस तरह से लोगों की जेब में पैसा डालेंगे, इसके बाद जो फैक्ट्रियां बंद हो गई वो चालू हो जाएंगी, लेकिन उनका कहना है कि देश जो है बैंकरप्सी की तरफ चला जाएगा, ऐसा मोदी जी कहना है, क्या लगता है आपको, किस तरह से देखते हैं? भाई, बैंकरप्सी तो इनके समय में हुआ, कितने बैंक बंद हो गए, जो अपने जमा पूंजी जमा किए थे वो सब लाइन लगाए लगाए लोग दम तोड़ दिए। तो बैंकों को लूट के भागने वालों को पकड़ के लाए नहीं, उनके साथ इनकी मित्रता है तभी तो पकड़ के नहीं लाए। और 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हो तो इस देश के अन्नदाता का ऋण माफ क्यों नहीं होना चाहिए? उन महिलाओं को जो घर चलाती है और महंगाई से आज बेहाल है, यदि उनके खाते में प्रति माह 8,500 रुपए जाएगा तो क्या बैंकरप्सी हो जाएगा? हमने चलाया है, सरकार हमको चलाना आता है और हमने छत्तीसगढ़ में इसको करके दिखाया है, देश में भी हमने किया है। मनरेगा जब शुरू किए थे तब बोलते थे कि इसका पैसा आएगा कहाँ से, और आज यही मनरेगा है जो गरीब जनता का आधार बना है, आर्थिक आधार बना है। तो जो योजनाएं हमने शुरू की है वही हिंदुस्तान में चल रहा है। ये जो योजना लागू किए मोदी जी, नोटबंदी उन्होंने लागू की, GST उन्होंने लागू की, और ताली थाली बजाओ जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया वो तो चला नहीं। अरे मोदी जी, जो आपने नोट चालू किया था 2000 का, उसको तो नहीं चला पाए, उसको भी आपको बंद करना पड़ा। तो जो योजना खुद चालू किया उसको खुद को बंद करना पड़ा, और दूसरे बैंक करप्शन की बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और इस प्रकार के वातावरण कई चुनाव बाद दिखाई दिया है। ये एक्चुअल में जनता खुद ये चुनाव अपने हाथों में ले लिया है और इस बात का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो गया, जो सत्ता में बैठे हैं उनको हो गया है। और यही कारण है देखिए कि बाराबंकी में आज राहुल जी का कार्यक्रम था, परमिशन नहीं दिए। उसी प्रकार से रायबरेली में रोड शो था प्रियंका जी का, उसमें परमिशन नहीं मिली। तो अब ये भयाक्रांत हो गए हैं और इस प्रकार से कम इनके दौरे लगे, ये कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मायूस्ट है एक तरीके से, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने समझाया कि किस तरह से लोगों की जेब में पैसा डालेंगे, इसके बाद जो फैक्ट्रियां बंद हो गई वो चालू हो जाएंगी, लेकिन उनका कहना है कि देश जो है बैंकरप्सी की तरफ चला जाएगा, ऐसा मोदी जी कहना है, क्या लगता है आपको, किस तरह देखते हैं? भाई, बैंकरप्सी तो इनके समय में हुआ, कितने बैंक बंद हो गए, जो अपने जमा पूंजी जमा किए थे वो सब लाइन लगाए लगाए लोग दम तोड़ दिए। तो बैंकों को लूट के भागने वालों को पकड़ के लाए नहीं, उनके साथ इनकी मित्रता है तभी तो पकड़ के नहीं लाए। और 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हो तो इस देश के अन्नदाता का ऋण माफ क्यों नहीं होना चाहिए? उन महिलाओं को जो घर चलाती है और महंगाई से आज बेहाल है, यदि उनके खाते में प्रति माह 8,500 रुपए जाएगा तो क्या बैंकरप्सी हो जाएगा? हमने चलाया है, सरकार हमको चलाना आता है, और हमने छत्तीसगढ़ में इसको करके दिखाया है, देश में भी हमने किया है। मनरेगा जब शुरू किए थे तब बोलते थे कि इसका पैसा आएगा कहाँ से, और आज यही मनरेगा है जो गरीब जनता का आधार बना है, आर्थिक आधार बना है। तो जो योजनाएं हमने शुरू की है वही हिंदुस्तान में चल रहा है। ये जो योजना लागू किए मोदी जी, नोटबंदी उन्होंने लागू की, GST उन्होंने लागू की, और ताली थाली बजाओ जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया वो तो चला नहीं। अरे मोदी जी, जो आपने नोट चालू किया था 2000 का, उसको तो नहीं चला पाए, उसको भी आपको बंद करना पड़ा। तो जो योजना खुद चालू किया उसको खुद को बंद करना पड़ा, और दूसरे बैंक करप्शन की बात करते हैं।